वेलकम टू द न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी अच्छे से। और ये जो बाइक है ना हीरो होंडा वाले वाले, ये हीरो होंडा जो बाइक है स्प्लेंडर, इन बंदों ने मेरे हेलमेट पे कैमरा देखा तो मैं इनका रिएक्शन ले नहीं पाया। मैं इनका इन्होंने देखा भाई कैमरा लगा हुआ है, बंदा ब्लॉगर है, शूट कर रहा है, तो चलो ठीक है। पता ही नहीं होता कि पल्सर होए क्या स्किट मारी है बंदे ने, इसको तो मैं भगा ही नहीं सकता इतनी तेज। तो कुछ बंदों के रिएक्शन ही ऐसे होते हैं कि ब्लैंक चेहरा होता है, कुछ पता ही नहीं चलता उनको समझ में क्या आ रहा है, वो क्या समझ रहे हैं अंदर से यही नहीं पता चलता। एक मेरे को लगा ये BMW, मेरे को लगा ये गौरव भाई की BMW है, इसलिए मैं एकदम से रुक गया। और कल एक चीज और हुई फनी सी चीज, कल आशीष चंचलानी का बर्थडे था तो उनके भाई के बर्थडे वाले दिन भाई का नंबर ही लीक हो गया। भाई ने स्टेटस डाल के भाई साहब लोगों ने कॉल कर के परेशान कर दिया कि भाई स्टेटस डालना पड़ गया कि भैया कॉल मत करो। दो तीन दिन से मूड ऐसा कर रहा था कि बिल्कुल मन नहीं किया वीडियो व्लॉग बनाने का, क्योंकि यार 3/24। हाँ जी 3/24 ये नहीं पता भैया मेरे को, क्योंकि मैं यहाँ कभी कभार ही आता हूँ। भैया इस तरीके से आए, मुझे लगा पता नहीं क्या बोलेंगे मेरे कान में कि कैमरा लगा रखा है। भैया ने बोला, अंकल ने सीधा बोला, ए 3/24 भाई साहब। पहले तो मेरे को हंसी आई, तो मैंने पहले अपनी हंसी रोकी, ए 3/24 क्या ही बोले यार। तो मैं वही कह रहा था कि मेरी ज़िंदगी में ज़्यादातर नेगेटिव पर्सन ही हैं। व्लॉग्स बनाने का मन नहीं करता ना, तो मतलब क्या ही बोलूँ। एक तो मेरे को वो चीज़ लगती है कि व्लॉग नहीं बन पाया, ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है कि टेंशन तो है ठीक है, लेकिन उस टेंशन में एक तो काम अच्छा हो, वो एक काम भी अच्छा नहीं होता। क्योंकि अगर व्लॉग बन भी जाए ना, उस टेंशन में रह के भी व्लॉग बन जाए तो भी दिल को तसल्ली रहती है कि यार चलो दिन में एक काम तो अच्छा हुआ। फिर 3-4 दिन, मतलब कल परसों की बात है, 3-4 दिन पहले पारस खटराल का व्लॉग देखा था मैंने, तो उसमें मैंने ये देखा था कि ये बंदे भी उत्तम नगर में आया हुआ है, पता नहीं यहीं आसपास रहते हैं शायद ये सारे के सारे। देख रहे हो ऐसे ऐसे तो बंदे हैं जिनको सब्र नहीं है। खैर मेरे को तो खैर पता ही नहीं था एकदम कट मार के आ जाएगा, मेरे को पता होता तो मैं पहले ही रुक जाता हूँ। उसके बावजूद भी मैं निकल रहा हूँ तो बंदा एक्शन दिखा रहा है रेस दे करके, हॉर्न बजाए जाएंगे कान के अंदर। जब मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ ना कि कोई बंदा क्या, सारे ही बंदे भाग रहे हैं, किसी को कुछ टेंशन है, किसी को जॉब पर पहुंचने की टेंशन है, किसी को जल्दी पहुंचने की टेंशन है, किसी को लेट होने की टेंशन है, किसी को कुछ टेंशन है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस लाइफ के लिए बना ही नहीं भाई। मतलब जॉब मैंने भी करी है लेकिन ये कहीं पे भी रोक लेंगे ये लोग, इनको फर्क नहीं पड़ता कि बंदा बाहर में जाए, बंदा थूके मरे जो मर्जी होए, इनको फर्क नहीं पड़ता बस वालों को। वो तो इसकी ब्रेक भी इतनी तगड़ी नहीं है, मैं स्लो चला रहा था वरना तो हो जाता मेरा कांड, फूक जाती बेचारी है प्यारी सी परी। ये चीज
सभी के ऊपर लागू होती है और ये चीज़ माननी पड़ेगी एक ना एक दिन, क्योंकि बहुत से बंदे मैं वो चीज़ नहीं कहूँगा कि बहुत से बंदे ऐसे भी बोलेंगे कि यार सबकी अपनी मजबूरी होती है, ना चाह के भी काम करने पड़ते हैं, वो बात एक ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उस बंदे को भी अपने लिए अगर वो बंदा भी सोच रहा है ना कि यार मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना, लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहा है, किसी मजबूरी में कर रहा है, तो यार मैं ऐसे बंदों को कहूँगा टाइम निकाल के थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी दो, क्योंकि आप अगर टाइम दोगे अपने आप को तो हो सकता है आप और बेहतर बन जाओ, आपको वो काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े जो आप मजबूरी में या ज़बरदस्ती में काम कर रहे हो। दोस्तों ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और अभी मैं निकल रहा हूँ, सुबह के 9 बजे पर मैं निकल रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि सब लोग सो रहे हैं ना, ठंड है ज़्यादा, इसलिए तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। थोड़ी सी प्यास लग रही थी मेरे को, मैंने सोचा कॉफी ले ली जाए, तो मैंने कॉफ़ी ले ली। भाई साहब जो कल मैं आपसे बात कर रहा था कि नेगेटिव लोग बहुत भरे पड़े हैं मेरी लाइफ में, उन सब से दूर होके बस अपनी लाइफ के बारे में सोचो कि आपको क्या करना है, नेगेटिविटी से कोसों दूर रहो, और जो बंदे आपके आसपास है ना नेगेटिविटी वाले उनकी सारी बातें सुनो, उनको ये दिखा दो कि भाई आप सब बढ़िया बातें कर रहे हो, और उनसे दूर रहो, मतलब उनकी सारी बातें सुनो और जो आपके मन में आ रहे हो आप वो करो, बस यही करना है आपको, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मैं भी सबकी बातें सुनता हूँ, सबके आगे हाँ 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 आप बहुत बढ़िया कह रहे हो, बहुत सही कह रहे हो, ऐसे कहते रहता हूँ, बाकी जो मेरा मन है मैं तो वही करता हूँ, आप भी वही करो, और अंत में यही कहना चाहूँगा कि खुश रहो, सबको टेंशन छोड़ो, सब बस खुश रहो खुश रहो बस।